अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अंतरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपको मैं सुनाने वाला हूं साथियों, जो कि फीफा वर्ल्ड कप के वजह से आ रही है। तो साथियों, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉमेंट भी किया था और बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे वहां भी सवाल भी किया था कि भाई मुझे सुनने में यह आ रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान वहां पे वर्करों को एंट्री को लेकर, नए वर्करों की एंट्री को लेकर वहां पे बैन लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसको लेकर दोस्तों कोई ऑफिशियल जो ट्वीट या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई थी इसके बारे में, पर दोस्तों फाइनली कल के दिन इसके बारे में ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट कर दिया गया है। ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट किया गया साथियों, वो वहां के स्पोक पर्सन सुप्रीम कमेटी के जो हेड है खालिद अल नमा साहब, उनके तरफ से दोस्तों ये साफ तौर पे ये कह दिया गया है, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन में दोस्तों आप देख सकते हैं, उनके तरफ से साफ तौर पे कह दिया गया कि किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन या किसी तरह की बंदिशें जो है वो फीफा वर्ल्ड कप के दौरान किसी भी वर्कर को लेकर नहीं आएगी। जिस तरह से अभी लोग वहां पे आना जाना कर रहे हैं, उसी तरह से उस टाइम भी वहां पे लोग वर्कर आना जाना करेंगे। तो जो भी लोग जहां पे भी यदि न्यूज वगैरह यदि आप देख रहे हैं, तो ये बिल्कुल र्यूमर है, ये बिल्कुल अफवाह है, ये सब अफवाह में बिल्कुल भी ना आए। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी कोई बंदिशें नहीं होगी, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। दोस्तों, वीडियो के स्क्रीन पे मैं आपको उनका मैं मैसेज भी शो कर रहा हूं, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे आप देख सकते हो। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से आ रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से दोस्तों कल के दिन साथियों अलवकरा जो बीच है, साथियों यदि आप कतर में रहते होगे तो अलवकरा बीच के बारे में आप जरूर जानते होगे। तो वहां पे आसपास जो बीच के किनारे होता है दोस्तों, बहुत सारे मछलियां जो है वो मरी हुई पाई जा रही हैं। यदि आप कतर में होगे, यदि वहां के आसपास आप रहते होंगे, तो आपने जरूर देखा होगा बहुत सी भारी मात्रा में मछलियां, छोटी छोटी मछलियां, बड़ी बड़ी मछलियां वहां पे बीच के किनारे वहां पे मरी हुई पाई जा रही है। तो इसको लेकर दोस्तों कल वहां पे अलवकरा वहां की टीम वहां पे पहुंची थी इंस्पेक्शन करने के लिए। कुछ वहां पे सैंपल्स वगैरह को उठाया गया और जांच के लिए दोस्तों, मॉनिटरिंग के लिए, जांच के लिए वहां पे भेजा गया कि आखिर मछलियां जो है वो क्यों मर रही हैं। तो इसको लेकर दोस्तों कुछ सैंपल वगैरह को ले जाया गया है। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही दोस्तों, वो भी बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि खबर साथियों आ रही है वो बांग्लादेश से। तो साथियों, यदि आप बांग्लादेश के वर्कर हैं, यदि आप कतर में बांग्लादेशी आप काम करते, तो आपके लिए थोड़ी बुरी खबर है, क्योंकि साथियों बांग्लादेश में बहुत ही बड़ी दोस्तों बाढ़ आई हुई है। वहां पर एक मानसून घुसा हुआ है, मानसून घुसने की वजह से वहां पर बारिश हो रही है। बारिश इतनी ज्यादा दोस्तों बढ़ गई है, जिसके वजह से अब तक वहां पर 25 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है और लगभग वहां पर मिलियंस लोग जो है, यानी लगभग दोस्तों 4 मिलियन लोग जो वहां पे अभी बेघर हो गए हैं, यानी इस पे प्रभावित हुए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही भारी वहां पे बारिश हो रहा है, जिसका लेकर वहां पे बांग्लादेश में काफी ज्यादा लोगों को नुकसान देखने को मिल रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही साथियों, वैसे वो दुबई से आ रही है, पर दोस्तों मैं खबर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर है। खबर साथियों दुबई और इंडिया के बीच में है। तो साथियों जुलाई के महीने में, यानी ये महीना जून चल रहा है, तो आने वाला महीना तो जुलाई 2022 है, उस टाइम दुबई और इंडिया के बीच में फ्लाइट का टिकट जो है लगभग 3000 दिरहम हो जाएगा। अब दोस्तों ऐसा अनाउंसमेंट इसलिए किया गया क्योंकि उस टाइम वहां पे लोगों का आना जाना काफी ज्यादा होगा, इसी को लेकर दोस्तों टिकट की बढ़ने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। लगभग एक टिकट का रेट वहां पे 3000 दिरहम तक वहां पे होने की संभावना बताई जा रही है। अगली खबर की ओर साथियों चलते, जो कि कतर से आ रही दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों एक रैंकिंग की जाती है सेफ्टी एंड सोशल सिक्योरिटी, माने दोस्तों सबसे पीसफुल कंट्री और सबसे सेफेस्ट कंट्री, तो उसकी पूरी दुनिया में रैंकिंग की जाती है, इंडेक्स नंबर निकाला जाता है। तो दोस्तों पूरी गल्फ कंट्री में कतर को पहला रैंक मिला है और पूरी दुनिया में दोस्तों ये ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में 9वां रैंक हासिल इस बार किया गया है। तो दोस्तों ये काफी गर्व की बात है, यदि आप कतर में रहते होगे तो ये काफी गर्व की बात है दोस्तों, क्योंकि पहला रैंक पूरे गल्फ कंट्री में मिला है और 9वां रैंक पूरी दुनिया में मिला है दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये इंडेक्स निकाला गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते, जो कि दोस्तों दुबई से आ रही है। तो साथियों खबर इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबई पुलिस कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट और कितना ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। तो दोस्तों वहां पे एक पैसेंजर का एयरपोर्ट में, जो रशियन पैसेंजर था, उनका लगेज जो है वो खो गया था। अब दोस्तों कैसे खोया था इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, पर सिर्फ 30 मिनट के अंदर वहां पे दुबई पुलिस के द्वारा उस लगेज को खोज के लाया गया और रशियन शख्स को वहां पे उस पर सौंपा गया। तो इससे दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कितनी ज्यादा वहां पे दुबई पुलिस जो है वो फास्ट है। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी। यदि कोई भी मन में आपके सवाल हो फ्लाइट वीजा टिकट या क्वारंटीन के बारे में या जॉब के बारे में, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।